हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल, मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं और कल की जो थकान है छत डालने की, वो अभी तक गायब नहीं हुई है। पूरा जो बदन है वो टूट रहा है और कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन गाँव में तो ऐसा है नहीं कि हम आराम से बैठे रहें और कुछ ना करें, तो सुबह से लेकर शाम तक काम करना ही पड़ता है। तो अभी जैसे ही मैं उठा, थोड़ा नहाया नुहाया और उसके बाद मैं जा रहा हूँ फिर से अपनी नई मकान वाली जगह पे। मिस्त्री लोग आज भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो उनको चाय लेके जाऊँगा और साथ साथ में अभी माँ और दीदी खेत में जा रखे हैं, तो वहाँ से गेहूँ की भारी भी लेके आनी है। और दीदी को शायद थकान नहीं लगी, इसीलिए दीदी सुबह सुबह माँ के साथ खेत में गई और वहाँ से गेहूँ की एक बड़ी सी भारी लेके भी पहुँच चुकी है। और दीदी बोले चार भारी ले आए, बोले मुझे तो एक ही दिख रहा है। तो चाय लेके जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो मिस्त्री लोग देखो लगे हुए थे यहाँ पर काम पे। तो आज जो मसाला कल का थोड़ा बचा हुआ था तो वो यहाँ बरामदे में पड़ने वाला है। थकान थकान भी लगी कल, थकान भी लगी तो क्या करना था, मसाला थकान लगी, मालिश करवाए पीठ पे ऐसी थकान लगी है, लेकिन मसाला बचा हुआ था, नहीं तो आज छुट्टी पे थे मिस्त्री जी। लेकिन चलो, मसाला बचा हुआ है तो बर्बाद हो जाता, इसीलिए अच्छा हो गया। तो बरामदा पे वो आज पूरा पड़ जाएगा। तो चाय खट्टी तो नहीं हो रही आज थकान में, मीठी हो रही, कड़वी हो रही अभी माँ भी आ चुकी है खेतों से और स्क्रीन पे देखिए चाची भी खेत में गई थी, तो चाची भी एक भारी लेके आ चुकी है और चाची को लग गई बल बहुत ज़्यादा प्यास और माँ को लगी थी चाय की प्यास, तो माँ यहाँ पर चाय पी रही है और सामने अपने जियाजी छत में टहल रहे हैं। तो कल शाम को उतना क्लियर दिखा नहीं होगा और जियाजी बोले ऐसे मत बोलो टहल रहे हैं, बल्कि काम कर रहे हैं। तो कल अगर आपने सही से छत नहीं देखी है तो अभी आप देख सकते हैं कुछ ऐसी हमारी पूरी छत देखने को मिल रही है। और जियाजी जो काम कर रहे हैं, थोड़ा मैं आपको बता दूं तो ऊपर ऊपर से जो मतलब कुछ गिट्टियाँ रह जाती है तो उनको एक साइड किया, तो उसके बाद मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पर परात और मंजिला, तो उनको उठाते हैं और छत को बिल्कुल चकाचक करते हैं। और माँ देखो, मतलब एक भी चीज़ थोड़ी भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी मेहनत से मंगाया है, तो इस वजह से माँ पूरा छोटा टुकड़ा भी अगर कोई होगा तो उसको भी निकाल के रहेगी, इतना तो मुझे पता है। क्योंकि कल जो सीमेंट की परत है, जो मसाले की परत है, वो वहीं चिपक गई, तो आज इसमें नया मसाला मिलाएंगे तो फिर वो यूज आ सकती है, तो इसीलिए माँ लगी हुई है बड़े जोरों शोरों से। बालो भी इतना महंगा है तो ये रूढ़ी इतनी महंगी है, चार कटा भी होएंगे इसमें तो चार क्या ज्यादा होगा तब तो। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि माँ खेत में जा रखी थी, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, माँ ये भारी यहाँ तक पहुँचा चुकी है और यहाँ से अभी ये भारी मुझे घर लेके जानी है। और कल तो मौसम एकदम बढ़िया था, लेकिन आज एक बार फिर मौसम गड़बड़ हो रहा है, उमस टाइप की हो रही है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आसमान है वो आप देखिए पूरा पैक हो रखा है, कहीं आपको ज़्यादा नीला आसमान देखने को नहीं मिलने वाला है। और आज हवा भी नहीं चल रही है, इसीलिए उमस और गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है।
और गेहूं की जो भारी लेके आए थे तो उसके बाद मैंने आपको बताया था मुट्ठी करनी पड़ती है, जो कि दीदी कर रही है। और मायके पे आराम करने के लिए सब पहुंचते हैं, ससुराल पे आराम करने के लिए सब लोग पहुंचते हैं, लेकिन ना तो जिया जी ससुराल पे आराम कर रहे हैं और ना दीदी मायके पे आराम कर रही है। और अंदर से हंस भी रही होगी दीदी, लेकिन अभी कुछ नहीं बोलेगी। तो दीदी, जिया जी और हमारा जो भांजा है, तीनों लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं हमारी हर काम में। तो दीदी यहाँ पर मुट्ठी बना रही है, और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भाई साहब हैं, बापू जी हैं, और यहाँ पर हमारे भांजे जी भी हैं। तो तीनों लोग मिलजुल कर यहाँ पर जो धनिया है उसकी मंडाई कर रहे हैं। तो धनिया को मतलब जो मांडते हैं वो कुछ ऐसे पैरों से मांडते हैं, तब जाके धनिया के जो बीज हैं वो जो धनिया का पौधा है उससे अलग होते हैं। आपके यहाँ कुछ अलग होता होगा तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही होता है। और बाकी मैं यहाँ पर पी रहा हूँ छांस, और कई लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि आप डबल ट्रिपल मेहनत कर रहे हो मुट्ठी बनाने में, और साथ साथ में फिर इसको काटोगे क्या करोगे, तो बहुत लंबी प्रोसेस कर रहे हो। तो हमारे यहाँ पहले से ही कुछ ऐसे ही करते आए हैं, जो आप बोल रहे थे कि आप सिर्फ ऊपर से ही बालियाँ काटते हो, पहले ही उसको अलग कर देते, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सब जगह अपना अपना हिसाब से करते हैं, और ज़्यादातर हम बापू जी से जानेंगे। बापू जी इतनी मेहनत क्यों करते हैं इस पर, जो ये गेहूँ है पहले ही क्यों नहीं काटते अलग अलग बालियाँ? ऐसा नहीं है, लोग जल्दी काटते हैं इसलिए बोल रहे हैं। हाँ ये हो सकता है, और ऊपर से लंगूरों ने ऐसे कर रखे हैं कि वो पकड़ में आते ही नहीं है, इस वजह से मुट्ठी बनानी पड़ती है। फिर मुट्ठियों के बाद ऐसे बड़े से ढेर लगाने पड़ते हैं, और आगे की जो प्रोसेस है वो आगे आपको पता चलेगी। फिलहाल अभी छांस पी लेते हैं और उसके बाद थोड़ा मंडाई भी करेंगे। तो खाना बनके तैयार हो चुका है, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आज खाने में मिक्स दाल है, उसके साथ भात है, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि घी डाला था वो सीधे पिघल भी गया है। तो जैसे ही हमने खाना खाया, भागे भागे सीधे नई मकान वाली जगह पे पहुँचे, क्योंकि कुछ मसाला यहाँ पर भारी छूटा हुआ था। हमने सोचा बारिश आती है क्योंकि मौसम ऐसा बन गया था, लेकिन एक बार फिर मौसम ठीक लग रहा है, शाम तक बारिश आ सकती है। तो जो मसाला यहाँ पर बच रहा था हम उसको उठाने आए, तो हमसे पहले मिस्त्री लोगों ने उसको उठा दिया है। लगभग एक कट्टा बचा होगा, एक जा से याद दो ही होगा। और स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं मिस्त्री लोगों का जो काम है बरामदे पे ग्रेटिंग करने का, वो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। बीच में आपको थोड़ा काला नज़र आ रहा होगा, तो वो पहले ही बीम के साथ भर दिया था, तो उसके बाद में जो और दिन मसाला बनाएंगे तो बचेगा, तो वो पूरा बराबर कर देंगे। बाकी आज के लिए वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ग्रेटिंग का जो काम है वो कम्प्लीट हो गया है। गुड बाई को बधाई। ठेकेदार साहब चलो हैं, तब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, बाय बाय। तो हमारे यहाँ से एक महीने के लिए छुट्टी पे चले गए हैं ठेकेदार साहब, अब जाएंगे चाची के यहाँ। ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक महीने तक कुछ काम होगा नहीं, तब तक चाची लोगों का तैयार हो जाएगा, फिर वहाँ पूरा होगा, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे। तो ऐसे ही काम चलता रहेगा हमारा। और माँ कुछ नहीं, हाँ सर ये प्यारी सी हंसी दे रही ना, इसलिए बोल रहा हूँ। इधर अपने बापू जी और जिया जी भी कल से ड्यूटी पे कार्यरत, और भाई साहब पेड़ पे बैठे हुए हैं।
और कल छत डालने के लिए स्क्रीन पे आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, तो ये दरवाज़ा माँ बापू जी ने अपने कमरे का उखाड़ के यहाँ लेके आए हैं, और एक जगह से उखाड़ रहे हैं दूसरी जगह काम करने के लिए। माँ बापू जी जिस कमरे में रहते हैं तो वहाँ के ये दरवाजे हैं, तो अभी फिर वापसी वहीं जाएंगे और वहाँ लगा देंगे। और पुराने टाइम पे ऐसे दरवाजे लगते थे ना, उखाड़ो फिर लगाओ, उखाड़ो लिखाओ, कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अब जो लग गए एक बार तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, और निकल गया तो फिर लगा नहीं सकते हैं। और यहाँ दिखाऊँ तो जो टंकी यहाँ पर रखी हुई थी, तो ये टंकी भी लगभग खाली कर दी है, तो आने वाले टाइम पे इसको भी यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि छोटे बच्चे क्या पता छेद छूद इस पर कर दे, और भी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो सब अब यहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मिस्त्री लोग एक महीने तक तो आएंगे नहीं, लगभग 25 दिन मान के चलो, तो तब तक यहाँ पर ये सामान रख के भी फ़ायदा होगा नहीं, नुकसान ही होगा हमारा। बाकी थोड़ा रेता बच गया है और थोड़ा ये रोड़ी बच गई है, तो ये आने वाले टाइम पर काम आ जाएगी। और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, तो कल छत डालने के लिए जो भी लोग पहुंचे हुए थे, तो सब गांव वालों के लिए यहीं पर खाना बना था खेत में, और यहाँ देखो चूल्हा बनाया था यहाँ ईंटों से, तो ईंट ले जाना हम भूल गए थे यहाँ से। एक तो पत्थर से बना था चूल्हा, एक ईंटों से बना हुआ है, और यहाँ पर 3, 3, 6 और 3, 9 और 1, 10 ईंट लगा रखी थी, और हम यहीं पर भूल गए थे, तो एक ईंट भी हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि 18 से 18.5 रुपए में एक ईंट घर तक पहुंच रही है, तो 18 रुपए का नुकसान करना भी बहुत बड़ा वो है। यहाँ पर तो पूरी 10 ईंटें हैं, तो फटाफट थैले में भरते हैं इनको और फिर अपनी नई मकान तक पहुंचाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। सामने टंकी देखिए, और हमारा छत भी देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत यहाँ से। और यहाँ देखो, तो यहाँ पर हमने तिरपाल रखा हुआ था, तिरपाल में रेता रखा हुआ था, तो अभी हमको तिरपाल खाली करना था, तो जो रेता है उसमें है वो भी एक साइड करना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं की लवाई हो रही है, मुट्ठी बन रहे हैं, तो उसके बाद उनको कूटेंगे, मतलब बहुत सारी लंबी प्रोसेस जैसे मैं बोल ही रहा हूँ पहले दिन से, तो वो करनी है, तो इस वजह से तिरपाल खाली कर रहे हैं जीजा जी। तो बोला ये था मैंने कि दामाद की खूब अच्छी खातिरदारी होती है ससुराल में, तो यहाँ पर कुछ ऐसी खातिरदारी हो रही है जिया जी की। तो अभी जो दरवाजे हैं उनको लेके हम पहुंच चुके हैं घर, और यहीं से कल वो निकाले थे, और दरवाजे लगाने की स्पेशलिस्ट हमारी दीदी पहुंची हुई है हमारे घर में, तो दीदी लगा रही है। दीदी ने मेरे से शर्त लगा रखी है कि अगर दीदी ने ये दरवाज़ा लगा दिया तो मैं दीदी को 500 रुपये दूंगा, तो देखो दीदी ये शर्त जीतती है कि नहीं जीतती है। बस तो भाई साहब ने लगा दिया, बोला आप दीदी के 250 होंगे। हाँ, आराम से 500 के चक्रों में हाथी मत दूर कर देना है। चलो ये देखिए, कुछ ऐसे दरवाजे यहाँ लगा दिए हैं, बाकी ये देखो पुराने जमाने के दरवाजे कुछ ऐसे ही होते थे, यहाँ से किया, यहाँ से ऐसा किया, यहाँ से और यहाँ ऐसे ऐसे लगा दिया। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ बिछुआ, पुराने आपके भी घर होंगे गांव में तो ऐसे ही रहते थे उनपे, और यहीं पे ताले लगाते थे कट करके, वैसे पहले ताले लगाते ही नहीं थे, बहुत कम। दोस्तों सुबह के 6 बज रहे हैं और आप सभी का स्वागत है एक और नए दिन में, और सुबह सुबह जा रहा हूं मैं दादी के पास, क्योंकि दादी आज आ रही है दिल्ली, चाचा लोग दिल्ली रहते हैं तो दादी को भी अब दिल्ली लेके जा रहे हैं। जो नए लोग जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारी दादी जी पिछले 4-5 महीने से बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, ना ही बोल पा रही है, तो अब दादी दिल्ली जाएगी, तो दादी का जो आगे का इलाज है वो दिल्ली में ही चलने वाला है, तो आज पूरा गांव दादी को छोड़ने के लिए जा रहा है, और दादी को उठा के हमको लेके जाना है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं।
तो माँ और चाची लोग यहीं तक आएंगे, बाकी बुआ और हम लोग रोड तक जाएंगे। और रास्ते हमारे पहाड़ के कैसे हैं वो तो आप लोग कई बार देखते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं इन रास्तों पे पैदल चलने में भी, और फिर ऐसे किसी को ले जाओ तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो रोड पे हम पहुंच गए हैं दादी को लेके, और अब यहाँ पर गाड़ी का इंतज़ार किया जा रहा है। और दादी ये आप देखिए यहाँ पर है, चारों साइड से सब लोगों ने घेर दिया दादी जी को। गाड़ी आई नहीं और धूप भी लग गई है, और आज काफ़ी दिनों के बाद दोनों दादियों का मिलन हुआ है। दादी तो पहचान रही है, लेकिन दूसरी दादी की याददाश्त मैंने आपको बताया था है नहीं, तो दादी तो शायद नहीं पहचान पा रही है। दादी को बता रहे हैं लेकिन दादी पता ही नहीं चल रहा है, याद ही नहीं है दादी को कुछ। लेकिन यहाँ दादी को आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन दादी पहचान पहचान सबको रही है। ये देखो ए दादी, दादी बाय बाय टाटा हेलो जे वाह तब आराम से जे वाह तकियो लवा मैं तब वाह नरमोनी तब ओलवा मैं तकी हाँ टाटा हाँ तकियो लवा मैं वाह तब हाँ ठीक हुए तो वाव। तो दादी को भी बाय बाय कह दिया है, और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर। और दादी को बाय बाय करते टाइम ना थोड़ा मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, इसीलिए वहाँ से जल्दी जल्दी भाग के मैं सीधे दूर आ गया हूँ। और भाई साहब और अंकी भाई लोग जो और आए थे वो तो पहले ही चले गए थे, और गाड़ी वाले ने मतलब थोड़ा ये कर दिया है कि काफ़ी टाइम लगा दिया है, और अभी भी लगभग एक घंटा और लगेगा। बल तो घर पे थोड़ा काम है, इसीलिए मुझे भी वापस गांव जाना पड़ रहा है। पर बीच में कभी फिर दादी को मिलने ज़रूर मैं दिल्ली जाऊंगा, और फिर आप लोगों की मुलाकात भी कराऊंगा। तो अभी भागे भागे घर चलते हैं, और दादी की विदाई के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड जय भारत बाय बाय टाटा।